Hello student, in this video we will learn about food preservation. So let's start. In chapter 1 we have learned about the method used to preserve and store food grain. Chapter 1 में हमने पढ़ा कि हम food को और कच्चे अनाज को कैसे preserve करते हैं, उसके क्या क्या method होते हैं. How do we preserve cooked food at home और कैसे पकाए हुए खाने को हम कैसे घर पे preserve करके रख सकते हैं. You know that bread left unused under moist condition is attacked by fungus. आप जानते हैं कि जो bread हम use नहीं करते हैं, जो पची हुई bread होती है उसको अगर थोड़ी देर हम खुले में रख देते हैं तो उसके ऊपर fungus जो है वो जम जाती है. Microorganisms spoil our food. So microorganism जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे food को spoil कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं. Spoiled food emit bad smell and has a bad taste and color change. ख़राब हुआ फूड में से एक गंदी स्मेल आती है और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है. Why do you use a refrigerator at home? आप लोग घर पे फ्रीज यूज़ करते हैं तो क्या लगता है आपको उसे क्यों यूज़ करते हैं? Not only for cooling water but also to store food item. तो फ्रिज को हम घर पे क्यों रखते हैं? सिर्फ पानी ठंडा करने के लिए नहीं, हम उसको इसलिए भी रखते हैं ताकि हम उसमें अपना फूड जो है वो स्टोर करके रख सकें. दिस फूड आइटम इफ कीप्ड एट रूम टेम्परेचर स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फॉल्स स्मेल. अगर जो भी फूड आइटम है हम उनको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो थोड़े समय बाद में क्या करते हैं, अपने अंदर से गंदी स्मेल आने लगती है उनके अंदर से. इट मीन्स वो ख़राब हो जाते हैं. द फूड गेट स्पॉइल्ड बिकम अनफिट फॉर कंजम्पशन. तो वो फूड जो है वो ख़राब हो जाता है और वो हमारे कंज्यूम करने के लिए बिल्कुल सही नहीं होता है. स्पॉयलेज ऑफ कुक्ड फूड टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टेरिया एंड फंगी. ख़राब हुए फूड को अंदर कौन से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ख़राब फूड के अंदर आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल बैक्टेरिया है, फंगी है, सब जगह बना लेते हैं उसके अंदर आ करके. सो हाउ इज स्पॉइल्ड फूड अफेक्टेड. तो जो क्या लगता है आपको, जो स्पॉइल्ड फूड है, ख़राब हुआ फूड है, खाना है, वो कैसे अफेक्ट होता है? सो इट फर्स्ट इमिटेड बैड और फॉल्स स्मेल. मतलब आप कैसे पता लगा सकते हैं कि जो फूड जो है वो ख़राब हो चुका है, तो उसमें से एक प्रकार से गंदी स्मेल आएगी. टेस्ट इज चेंज, उसका स्वाद जो है वो बदल जाएगा. एंड देन न्यूट्रिटिव वैल्यू इज़ अफेक्टेड. उसकी जो पोषक तत्व हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और कलर चेंज, उसका रंग जो है वो भी चेंज हो जाएगा. फूड प्रिजर्वेशन इज़ द आंसर टू प्रिवेंट इट्स स्पॉइलेज. देर आर मैनी एडवांटेज ऑफ प्रिजर्विंग फूड, सम ऑफ दीज आर. फूड प्रिजर्वेशन इट मीन्स एक प्रकार से खाने को कैसे बचाना है, कैसे सुरक्षित रखना है. सो उसके कुछ अपने अपने एडवांटेजेस हैं खाने को प्रिजर्व करने के भी, उसके कुछ फ़ायदे हैं, उनमें से कुछ दिए गए हैं यहाँ पर, देखिएगा. रिड्यूस फूड वेस्टेज बाय अवॉइडिंग स्पॉइलेज. रिड्यूस फूड जो है वो ख़राब होने से बचाने के लिए हम उसको फूड प्रिजर्व रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं. इंक्रीज द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड स्टफ. खाने को ख़राब होने से बचाने के लिए हम प्रिजर्वेशन का यूज़ करते हैं, मतलब खाने को हम काफ़ी समय तक उपयोग में बनाए रख सकते हैं. न्यूट्रिटिव वैल्यू इज़ रिटेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड. और उसके जो पोषक तत्व हैं उनको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं. इंश्योर फूड अवेलेबिलिटी इन डिस्टेंस प्लेस एंड ड्यूरिंग ऑफ सीजन. और हम उस खाने की अवेलेबिलिटी बनाए रखते हैं. इनकेस मान लीजिए जैसे कि हमने खाना बनाया और हमें उसे कहीं बहुत दूर तक लेके जाना है, बहुत समय तक उसको चलाना है, यूज़ में लेना है, तो क्या होगा, जब उसको प्रिजर्व कर रखेंगे तो उससे वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक सही और अच्छा बना रहेगा. सम मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. अब कुछ तरीके बताए गए हैं कि हम फूड को कैसे प्रिजर्व रख सकते हैं. सो फर्स्ट मेथड इज़ बाय सॉल्टिंग एंड शुगर. उसमें नमक डाल करके या उसमें शुगर डाल करके. फॉर एग्जाम्पल फ्रूट एंड वेजिटेबल आर कॉमनली प्रिजर्व बाय द यूजिंग सॉल्ट और शुगर. मान लीजिए हमें जो सब्जियां हैं या फ्रूट्स हैं वो बहुत लंबे समय तक चलाना है, तो हम क्या करते हैं, उनका अचार डालते हैं. तो अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम उसके अंदर शुगर्स और ये सब सॉल्ट है वगैरह डाल के रखते हैं, तो जिससे कि हम उसका जैम है, जेलीज हैं, पिकल्स, ये सब वगैरह बनाते हैं. सेकेंड मेथड इज़ बाय ऑयल, विनेगर एंड स्पाइसेस. उसके बाद में हम उनमें क्या करते हैं, तेल है, विनेगर है और ये मसाले वगैरह डालकर भी हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं. बिसाइड सॉल्ट एंड शुगर, ऑयल, विनेगर एंड स्पाइसेस आर ऑल्सो यूज एज ए प्रिजर्वेटिव. इट मीन्स
हम नमक और चीनी के साथ साथ ही ये तेल और विनेगर भी ऐड कर सकते हैं अचार के अंदर, और करते हैं ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे। उसके बाद में थर्ड पॉइंट आएगा बाय हीटिंग, हम खाने को गर्म करके भी उसके अंदर जो जर्म्स हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम दूध गर्म करते हैं, सो हीटिंग किल जर्म्स, मिल्क एट होम इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम स्पॉयलेज बाय बॉइलिंग। एंड देन नेक्स्ट बाय रेफ्रिजरेटिंग एंड फ्रीजिंग, हम फ्रीज में भी रख करके खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए फूड आइटम जो हैं अभी हमें उन्हें यूज़ नहीं करना है या बच गया है, तो हम उसको क्या करते हैं रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, तो जिससे कि क्या होता है उसके अंदर जर्म्स वगैरह जो हैं वो नहीं लगेंगे। कूलिंग बाय रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग स्टॉप माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ग्रोविंग एंड मल्टीप्लाइंग बट इट डज नॉट किल देम। रेफ्रिजरेटर कीप फूड एट अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस, दिस कीप द फूड फ्रेश फॉर ए फ्यू डेज। तो फ्रीज में रखा हुआ खाना कुछ दिनों तक सुरक्षित रह सकता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट बाय स्मोकिंग, मतलब हम उसे भाप देकर भी सुरक्षित रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए हमें मीट है, फिश है, उन सब जैसे जो प्रोडक्ट हैं उनको लंबे समय तक चला के रखना है, तो हम उनको क्या कर सकते हैं बॉयल करने के अलावा उनको स्मोकिंग के थ्रू भी हम उनको प्रिजर्व रख सकते हैं। नेक्स्ट है बाय सन ड्राई, धूप में सुखा करके। मान लीजिए हमें कुछ जो दालें हैं या फिर कई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मॉइस्चर हो जाता है, जैसे वो ख़राब हो जाती है, तो हम उनको सनलाइट में भी सूखने के लिए रख देते हैं, जिससे कि वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक सुरक्षित रहती है। नेक्स्ट है बाय पेस्टुरीजेशन, पेस्टुरेशन मतलब जब जो दूध है हम उसको पेस्टुरेशन के थ्रू प्रिजर्व करके रख सकते हैं। मान लीजिए हम फर्स्ट इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड टू किल बैक्टीरिया। इसमें दूध को गर्म किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस से के टेम्परेचर के ऊपर 15 से 30 सेकेंड के लिए, जिससे कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद में उसको ठंडा करके स्टोर करके कम टेम्परेचर पर रखते हैं। लास्ट है बाय प्रॉपर शॉर्टेज स्टोरेज एंड पैकिंग, तो हम प्रॉपर उसको, इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस दिस डे टू पैक ड्राई फ्रूट एंड वेजिटेबल इन सील एयर टाइट पैक, इट मीन्स हम उन्हें एयर टाइट कंटेनर में अगर स्टोर करके रखेंगे तो वो जो है लंबे समय तक सुरक्षित बने रहेंगे। दिस प्रिवेंट फूड आइटम फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, और माइक्रोब्स जो हैं वो उस पर अटैक नहीं कर पाएंगे, इट मीन्स वो मतलब काफ़ी लंबे समय तक अच्छे से बने रहेंगे। सो ये कुछ मेथड देखे हैं हमने फूड प्रिजर्वेशन के, आपको इन्हें याद करना है और अपनी नोटबुक में इनको लिखना भी है।